हालेलुया, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली घोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, कुड़कुड़ाना बेइज्जती को पैदा करता है। जिस तरह लूका की पुस्तक अध्याय 7 की 19 आयत में लिखा है, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर भी आपको इज्जत देता है, पर जब आप परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाते हैं तो फिर आप परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं और फिर आप भी अपनी ज़िंदगी में बेइज्जती को काटते हैं। बाइबल में जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जिस समय वह जेल में था, वह परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाया। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास अपने चेलों को भेजा कि उससे जाकर पूछो कि क्या आने वाला तू है या फिर मैं किसी और का इंतज़ार करूं। उसने उस समय परमेश्वर की बेइज्जती की और इसलिए फिर उसकी भी बेइज्जती हुई। एक भविष्यद्वक्ता का सर एक छोटी सी लड़की ने कटवा दिया है, यह उसकी बेइज्जती थी। बाइबल में जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 आयत को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और सारे कैदी उनकी सुन रहे थे। पौलुस और सिलास को बैतें लगाई गईं, उनको मारा पीटा गया और उनको जेल में डाल दिया गया और वह उस समय भी परमेश्वर की आराधना करते रहे, वह कुड़कुड़ाए नहीं। उन्होंने अपने दुख में भी परमेश्वर की आराधना की और उसको इज्जत दी। फिर परमेश्वर ने भी उनको इज्जत दी और जेल की नींव हिलाकर सबके सामने उनको आज़ाद किया। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनके जीवन में थोड़ी सी भी कुछ दुख, परेशानी, बीमारी आती है तो वह परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं और इसी कारण वह अपनी उस परेशानी, दुख, बीमारी में फंसे रहते हैं, उस बेइज्जती में फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी बेइज्जती को पैदा किया होता है। इसलिए वह अपने जीवन में निराश रहते हैं, पर जब वह अपने दुखों के दिनों में भी परमेश्वर की आराधना करते हैं तो फिर वह अपनी बेइज्जती, दुख, बीमारी, परेशानी से आज़ाद होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप इज्जत को, अपनी आशीष को पाएं, तो आप कुड़कुड़ाएं ना, बल्कि हर समय परमेश्वर की आराधना करें, उसकी इज्जत करें, फिर परमेश्वर भी आपको इज्जत देगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन को आपके वचनों के अनुसार चलाऊंगा और आपकी सिद्ध इच्छा में बना रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।